तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत सारी मीम्स, और सिर्फ यही नहीं, आज हम पता लगाएंगे क्या है सचिन में। तो आप बिना टाइम बर्बाद करे हुए सीधा शुरू करते हैं अपनी वीडियो। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो मीम्स पे रिएक्ट करने के लिए हमें चाहिए कुछ खास चीजें, जैसे कि फेक हंसी और ये चश्मा जो कि हमने मूवी थिएटर से चुराया है। तो चलो शुरू करते हैं। तुमने इस लड़के को जरूर देखा होगा, एडिटिंग देख रहे भाई की। हाँ, इस लड़के को तुमने जरूर देखा होगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक मीम बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है आजकल। आओ देखते हैं। सोनू अपना सपना साकार कर पाएंगे आईएएस बनने का? पूर्णता, मैं यह पूर्णता विश्वास के साथ करता हूँ कि आईएएस जो है ना, आईएएस वो मेरे नाम के पहले जरूर लगेगा, भले कम मार्क्स से लगे, कुछ भी से लगे, लेकिन जरूर लगेगा। सोनू के इंटरव्यू के बाद सोनू को यूपीएससी की क्लास दिलवाई गई, जिसके बाद सोनू का कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो साहब तंग किया गया, फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार, बाबू बाबू मेरा बाबू मेरा बच्चा, सुनो ना, हमको पूरा मीडिया तंग किया। इस सवाल का जवाब है, मीडिया तंग किया इस सवाल। तुम्हें सच बताऊं, ये लौंडा ने भाई मीडिया वालों को झाड़ देता है पूरा, और मुझे नहीं पता ये आईएएस बनेगा नहीं बनेगा, पर ये नेता जरूर बन सकता है। और मैं कह रहा हूँ अगर ये बना तो मैं इसे ही वोट दूंगा। जब बिहार में रहता हूँ मैं, बिहार का आधार कार्ड बना के भाई वहां जाके वोट देके आऊंगा इसे। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी गुड। तुम सोचो कल रात को मोदी जी आए और कहे मित्रों बनना तो आईएएस ही है। भाई मैं फैन हो जाऊंगा मोदी जी का, मतलब फैन तो पहले ही हूँ मैं, कूलर एसी सब हो जाऊंगा मोदी जी का, मोदी सरकार। तो भाई सोनू को आईएएस बनने देते हैं और हम लेते हैं बारिश की मजे। ये थोड़ा सा बल कर हुआ है, ज्यादा नहीं। थारा मूड खराब कर दिया। हाँ भाई हमारा क्यों पसंद आएगा, हम नेपाल से थोड़ी है। हाँ मेरी जान। तो आजकल ये दोनों कन्याएं बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। मैंने दो बार कर दिया वो स्टेप, कोई ठीक है। तो मुझे नहीं पता लोग इन्हें इतना वायरल क्यों कर रहे हैं, पर सुंदर तो है यार, मान लगे बड़ा हरामी हो बेटा। तुमने भी बेटा, तुम मैंने 10 से नहीं 10 कम बोलो, मैंने 20 से 25 आ रही रील देख रही होगी, क्यों देखी है मुझे खुद नहीं पता। हाय हाय। तो अब हम चलते हैं अपने बेस्ट मीम की तरफ। क्या है सचिन में? मैं तुम्हें कोई बैक स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें मेरे से 10-15% ज्यादा ही पता होगा कि क्या चल रहा है इनके जीवन में। पर ये आंटी कतई पर्सनल हो गई भाई, ये कह रही है कैसे ले आया पाकिस्तान से, बहू नहीं हम नहीं मान रहे, कैसे ले आया, भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। भाई सचिन का होगा ना जो होगा, मतलब यार इतना ज्यादा क्लोज, कुछ तो पर्सनल है भाई। देखो तुम मानो ना मानो, या तो कभी ये पानी भर रही होंगी, सचिन ने इनका डब्बा हटा दिया होगा, हमारे यहाँ होता है भाई, दिल्ली में होती है ऐसी लड़ाइयाँ, तो वो बदला आज निकल रहा है कि भाई ये बहू ले आया ना, अब इसकी खाट खड़ी करती हूँ। और दूसरी तरफ सीमा भाभी नहीं मान रही यार, मतलब भाई देखो तुम फिल्मी हीरो है। बिल्कुल, अगर मेरी नजर से देखेंगे ना, यहाँ सबसे खूबसूरत यही है भाई। अगर ये प्यार है ना तो शेरा सलमान खान का बॉडीगार्ड नहीं बॉयफ्रेंड। पर यार एक बात बताओ, ठीक है यार अगली बंदी पाकिस्तान से आई है, अबे चांद से थोड़ी आई है, मतलब यार इतनी हाइप बना दिया, सीमा भाभी ने ये कर लिया, सीमा ने ये कर लिया, सीमा पाकिस्तान से आई बहुरिया, भाई कुछ अच्छा दिखा लो। अरे शर्म करो। देखो ना मेरा मतलब है सोनू से और ना मेरा मतलब है सचिन से, मेरा मतलब है तुमसे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना।